फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लॉटरी और इनाम के रूप में लाखों की ठगी करने वाले दो आरोपियों को हमीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की और आरोपियों के बैंक खाते को खंगालने के साथ साथ लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन को जब्त कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों को 24 जनवरी तक पुलिस रिमांड में रखा जाएगा। इस दौरान उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से लॉटरी और इनाम के रूप में लाखों की ठगी करने वाले दो आरोपियों को हमीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और आरोपियों के बैंक खाते को खंगाला के साथ ही लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन को जब्त कर पड़ताल की जा रही है। दोनों आरोपियों को 24 जनवरी तक पुलिस रिमांड में रखा जाएगा। इस दौरान उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। वहीं इस फर्जी वेबसाइट का मास्टरमाइंड संदीप कुमार पहले से ही हैदराबाद पुलिस ने अरेस्ट करके रखा है। बड़सर पुलिस की एक टीम इसे हमीरपुर लाने के लिए हैदराबाद रवाना हो गई है। आपको बता दें कि बड़सर थाना में दर्ज FIR नंबर 106-2019 के तहत दो व्यक्तियों तौसीफ अहमद और विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया है। वे 24 जनवरी तक पुलिस रिमांड पर रहेंगे। ये दोनों व्यक्ति ऐसी वेबसाइटें बना रहे थे जिनका इस्तेमाल पीड़ितों को लुभाने के लिए किया जा रहा था। इस मामले में एक वेबसाइट flipkartwinprize.com में सोमदत्त निवासी सोहारी बड़सर से 14,42,000 रुपए लॉटरी के नाम पर ठग लिए गए। जानकारी के अनुसार तौसीफ अहमद के कहने पर ही विकास कुमार ने वेबसाइट को बनाकर लोगों को लूटने का काम किया जा रहा था। वहीं पुलिस की छानबीन में पाया गया कि इसी तरह 23 वेबसाइट बनाई गई है जो कि पिछले दिनों से फर्जी ऑनलाइन तरीके से लोगों को ठगने का काम करने में लगे हुए हैं। SP हमीरपुर अरिजीत सेन ठाकुर ने बताया कि फर्जी वेबसाइट बनाकर लूटने के मामले में पुलिस ने दो युवकों को पकड़ा है। उन्होंने बताया कि फर्जी वेबसाइट का मास्टरमाइंड को पहले ही हैदराबाद में पकड़ा गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में बड़सर के सोहारी गाँव के एक व्यक्ति से 14 लाख से ज्यादा पैसे ऐंठने की शिकायत की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड पर लिया है। उन्होंने बताया कि मास्टरमाइंड को भी शीघ्र हैदराबाद से हमीरपुर लाया जा रहा है। ज्यूरिसडिक्शन में हमको एक कंप्लेंट आई थी, इस पे हमने 106/2019 IT एक्ट के अंतर्गत और 420 IPC के अंतर्गत मामला दर्ज किया था। इसमें शिकायतकर्ता सुहारी के रहने वाले सोमदत्त जी का ये कहना था कि उनके उनके खाते से 14,42,000 रुपए का जो है एक फ्रॉड हुआ है। उन्होंने अपनी शिकायत में ये डिटेल में कहा था कि उन्होंने एक जो वेबसाइट है flipkart.com उसके माध्यम से कुछ आइटम मंगवाई थी अपने घर पे। जब वो आइटम आई उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और वापस कर दिया, और उसके बाद से उनको एक बल्क SMS आने लगे। बल्क SMS जो आया उसमें flipkartwinprize.com नाम की एक वेबसाइट का उनको लिंक मिला। उस लिंक पे उन्होंने गलती से क्लिक किया और उस लिंक के थ्रू किसी कारणवश ये टोटल, क्योंकि झांसा जो था वो ये दे रहा था कि ये आपको लॉटरी लगी है, तो अल्टीमेटली 14 लाख के आसपास जो है उनके पैसे उनके खाते से चले गए। हमने फ़ोन के माध्यम से एक तो ट्रैक करने की कोशिश की, दूसरा ये वेबसाइट जो बना रखी है flipkartwinprize.com उसको बनाने वाले को जो हमने एक तरह से ट्रैक किया। हमको ये पता चला कि एक प्राइवेट कंपनी है दिल्ली में जो ये काम करती है। उसके साथ हमने कॉन्टैक्ट किया और वहाँ के दो एम्प्लॉयज़ जो हैं हमको मिले। पुलिस टीम जब वहाँ गई तो उन्होंने उस कंपनी में भी बात की और उन एम्प्लॉयज़ में से एक व्यक्ति जिसका नाम तौसीफ अहमद है उसके साथ कॉन्टैक्ट किया, और अल्टीमेटली उनके थ्रू ये वेबसाइट बनाने वाले को और उसको होस्ट करने वाले विकास कुमार को भी पुलिस टीम ने पकड़ा। जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने ये बताया कि इस सारे मामले का एक जो व्यक्ति जो एक मेन हेड बोल सकते हैं जिसको, वो संदीप कुमार नाम का बिहार का रहने वाला एक लड़का है जो शायद 22 वर्षीय है एज पर इनकी इंटरोगेशन के हिसाब से। उसको पिछले महीने हैदराबाद पुलिस यानी साइबराबाद पुलिस स्टेशन की जो पुलिस आई थी वो उसको अरेस्ट करके ले जा चुकी है, और वो अभी एज पर इंफॉर्मेशन हैदराबाद में अंडर अरेस्ट है।
जब इनसे तौसीफ और विकास कुमार से बात की गई तो तौसीफ का ये कहना था कि वो संदीप के कहने पे एक वेबसाइट निर्माण करने के लिए विकास को कांटेक्ट करता था। विकास से कांटेक्ट करने पे ये पता चला कि उन्होंने संदीप के लिए कम से कम 23 या 24 इस तरह की अलग अलग वेबसाइट्स बनाई हैं, जिन पे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इनमें से कितनी जेन्युइन है और कितनी इसमें कोई किसी और व्यक्ति को तो नहीं कहीं इसमें हानि पहुंची है इसके कारण। संदीप कुमार को हरियाणा हैदराबाद पुलिस जो है के अलावा बाकी स्टेट्स की पुलिस भी कोशिश कर रही है उसको पकड़ने की। हमने सक्सेसफुली इस इन तीन लोगों को पकड़ने का एक जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ है, उसमें दो व्यक्ति जो हुए हैं ये एक अच्छा कैच है। होपफुली संदीप कुमार से हमारे को और इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ये और किस तरह से क्या क्या काम करते थे। अभी हमको विकास और तौसीफ के पास एक लैपटॉप और दो मोबाइल फ़ोन मिले हैं, जिनकी हम चेकिंग करके थोड़ा सा और इसमें इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और क्या डिटेल आएगी उसके बारे में हम जान सकते हैं। साथ ही साथ हमको इनके खातों की यानी अकाउंट्स जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उसकी भी डिटेल मिली हैं। उसमें भी हमने कुछ ट्रांजेक्शन्स जो कि संदिग्ध लग रही हैं हमको हमने आइडेंटिफाई किए हैं और हमारी इन्वेस्टिगेशन अभी इसमें भी जारी है, कंटिन्यूड है। ये इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुई पर ये हमारे लिए एक अच्छा कैच जरूर है और इन्वेस्टिगेशन हम कंटिन्यू करते रहेंगे और होपफुली कुछ हमारा को यूजफुल इसमें से जरूर मिलेगा।